ओके स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वैल्यूज और नॉर्म्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड भारत में ओल्ड एज पीपल की रिस्पेक्ट करना ये एक वैल्यू है और इसे बच्चों में क्यों इनकलकेट किया जाता है, इतना जोर क्यों दिया जाता है इस वैल्यू पर, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब हम ये समझते हैं। अच्छा, ये जो नॉर्म्स हैं ये इवॉल्व कैसे हुए होंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ टॉपिक दो चीजें लिख देता हूं, एक तो होती है वैल्यूज और दूसरा होता है नॉर्म्स। अब इसमें प्रॉपरली डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा, है ना। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आर द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, और नॉर्म्स क्या है, स्टैंडर्ड बिहेवियर है उन वैल्यूज को दिखाने का, स्टैंडर्ड बिहेवियर। जैसे अगर हम कहें कि पैर छूना इसको हम कहते हैं, यहां पर नहीं लिखना चाहिए, यहां पर मुझे लिखना चाहिए रिस्पेक्ट, मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए, रिस्पेक्ट, और यहां पर लिखना चाहिए कि पैर छूना या नमस्कार करना, जो भी कह सकते हो। तो रिस्पेक्ट एक वैल्यू है और इस वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से, वो हो गया हमारा स्टैंडर्ड बिहेवियर। वैल्यूज आर द आइडल्स ऑफ सोसाइटी एंड नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ इन अ सोसाइटी। ठीक है, अब हम ये समझते हैं। अच्छा, ये जो नॉर्म्स हैं, ये नॉर्म्स किसी भी सोसाइटी में कैसे डेवलप्ड हुए होंगे, है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्म्स इन द सोसाइटी। मैं यहां टॉपिक डाल दूं, इवोल्यूशन ऑफ नॉर्म्स इन सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ नॉर्म्स इन सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ नॉर्म्स इन सोसाइटी। अब यूं समझ के चलो कि कोई एक एरिया पकड़ लेते हैं, पर्टिकुलर एरिया, मान लो कि कोई एरिया है, यहां पर बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, है ना, छोटे बच्चे, बूढ़े, मोटे, पतले, सब लोग रह रहे होंगे। अब इसमें जब लोग रह रहे होंगे तो सबके अपने अपने घर होंगे, मान लो कि यहाँ पर घर भी, अब घर में परिवार होगा, फैमिली, उस फैमिली में चार पांच लोग होंगे, एक दो तीन चार लोग हो गए, चार लोग हो गए। अब एक दिन अचानक ऐसा होता है, यहाँ पर सब लोग ऐसे ही जी खा रहे हैं, अचानक से क्या हुआ कि इस परिवार का ये जो पर्सन है इसका नाम दे देते हैं रॉबिन, ये उठता है और इसके घर में जो पेरेंट्स हैं या जो भी बड़े लोग हैं, एल्डर मैं लिख देता हूँ, एल्डर पीपल, उन सबको ये उठ करके क्या करता है, गुड मॉर्निंग कहता है या नमस्ते कहता है, नमस्कार करता है या जो भी कहता है, एक ऐसी वर्डिंग बोलता है जिसे सुनकर के बड़े लोग खुश होते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है। ठीक है, इसने ऐसे ही बोल दिया, इसको पता नहीं था कि अच्छा क्या है, बट जस्ट इसके मन में आया और इसने ऐसे कह दिया कि गुड मॉर्निंग भैया या गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, उसने कह दिया। तो उनको लगा कि हाँ तो अच्छा अच्छा मतलब अच्छा ही लग रहा है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब इसने एक दिन कहा, अब दूसरे दिन भी इसने कहा ऐसे ही,
तीसरे दिन भी कहा। ऐसे कहते कहते कुछ वक्त बीता। अब इसके परिवार के हर लोग, सारे के सारे लोग जो थे, ये उठते हैं तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है, एक दूसरे को कहे इन्होंने गुड मॉर्निंग। अच्छा, शुरुआत किसने करी, रॉबिन ने। तो रॉबिन क्या था, एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, शुरुआत करी रॉबिन ने। तो रॉबिन क्या था, एक इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। उसके बाद इसके परिवार ने धीरे 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 इसने जो गुड मॉर्निंग कहना शुरू किया था, इस चीज को एक्सेप्ट किया, और इसके परिवार ने भी क्या करना शुरू कर दिया, गुड मॉर्निंग करना शुरू कर दिया। तो मैं यहां लिख दूं, पहली चीज हुई इनोवेशन, इसके द्वारा हुई, इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, इंडिविजुअल के द्वारा इसने क्या इन्वेंट किया, गुड मॉर्निंग। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, गुड मॉर्निंग इसने इनोवेट किया, इन्वेंशन हो गई एक नई चीज की। अब इसके बाद ये जो गुड मॉर्निंग इस इंडिविजुअल ने इन्वेंट किया, अब इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, क्या कर लिया गया, एक्सेप्टेड बाई फैमिली, ठीक है, उसके परिवार के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अच्छा, अब मान लो कि इस परिवार, परिवार है तो परिवार के सबके अपने रिलेटिव्स भी होंगे, के मामा चाचा दादा नाना नानी, फिर उनके अपने रिलेटिव्स होंगे, दादा नाना चाचा मामा मामी। तो जब वो इनके घर में आए, मान लो किसी दिन इनके मामा यहाँ घर में आए, तो जैसे ही सुबह हुई तो देखा कि सब लोग, रॉबिन भी कह रहा है गुड मॉर्निंग, तो पापा कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, मम्मी कह रही है गुड मॉर्निंग, सब लोग कुछ कुछ गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है इनको भी। तो ये दो चार दिन रहे घर पे, ये भी सीख गए गुड मॉर्निंग। अब ये जब सीख करके अपने घर गए तो अपने घर पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो दूसरे घर में भी गुड मॉर्निंग शुरू हो गया। अब उनके जो रिलेटिव्स थे, मान लो कि यहाँ से इनके रिलेटिव्स यहाँ पर आए, तो इनके घर आए, यहाँ पर इन्होंने सीखा, इनके घर में गुड मॉर्निंग करना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे अगर देखोगे तो एक परिवार से एक ग्रुप बन गया, और इस ग्रुप ने इस गुड मॉर्निंग को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इस ग्रुप ने इस गुड मॉर्निंग को एक्सेप्ट कर लिया। तो हम ये कहें कि जो गुड मॉर्निंग को इनोवेट किया गया था एक इंडिविजुअल के द्वारा, अब वो एक्सेप्ट कर लिया गया है फैमिली के द्वारा और ग्रुप के द्वारा, ठीक है, फैमिली के द्वारा और ग्रुप के द्वारा, ठीक है, ग्रुप के द्वारा, ओके। अब धीरे 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 ये जो एक्सेप्टेंस है, अब इनकी आदत बन जाएगी, ठीक है, अब इनकी क्या हो जाएगी, आदत बन जाएगी, अब ये भूलेंगे नहीं, उस कहीं भी जाएंगे, चाहे अपने घर पे हो या किसी और के घर पे हो, कहीं हॉस्टल में हो, कहीं पर भी हो, वहां सुबह उठते ही ये क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, अब ये हैबिट बन चुका है, बिकम हैबिट, बिकम हैबिट। अब ये हैबिट हो सकता है किसी इंडिविजुअल का हो जाए, इंडिविजुअल, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि घर में चार लोग रहते हैं अगर, तो चार लोग में से कुछ एकाध ऐसे लोग होंगे जो अगर रात को सोने से पहले हाथ पैर ना धुले या मुंह ना धुले, ठीक है, फेशियल ना करे, तो वो सो नहीं पाते हैं। क्या चारों के चारों ऐसा करते हैं, जरूरी नहीं है, उसमें कोई एक ही पर्सन होगा ऐसा, या दो पर्सन हो सकते हैं जो सोने से पहले अच्छे से हाथ पैर धुलता हो, मुंह धुलता हो, क्यों, वो उसकी हैबिट हो चुकी है, ठीक है, उसकी हैबिट हो चुकी है। तो ये हैबिट किसी, ये जो चीज अभी गुड मॉर्निंग थी, ये गुड मॉर्निंग हैबिट किसी इंडिविजुअल की हैबिट हो सकती है या पूरे परिवार की हैबिट हो सकती है। अब जब ये हैबिट बन जाए तो मान लो कि ये जहां जहां जाएगा वहां वहां इस चीज को फैलाएगा, और उस चीज को अगर पूरे किसी लार्ज ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए, अब किसके द्वारा कर लिया जाएगा, लार्ज ग्रुप, ठीक है, लार्ज ग्रुप के द्वारा क्या हो जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड बाई लार्ज ग्रुप, लार्ज ग्रुप। अब जब लार्ज ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो ये बहुत सारे लोगों की हैबिट बन जाएगी, है कि नहीं, अभी तक तो एक की हैबिट थी, अब ये बहुत सारे लोगों की हैबिट बन जाएगी,
तो उसे हम कहेंगे कि ये कलेक्टिव हैबिट हो गई। क्या कहेंगे? कलेक्टिव हैबिट हो गई, कलेक्टिव हैबिट हो गई। अच्छा, अब ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां गुड मॉर्निंग करते बैठेंगे। तो अब जैसे कोई टर्मिनोलॉजी या कोई भी जो वैल्यू है या नॉर्म्स है, वो अगर एक कलेक्टिव हैबिट बनती है तो अब वो सोसाइटी के लेवल पर आ जाती है कि उसे जनरल टर्म में सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप जब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेगा तो अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, वो सोसाइटी ही एक्सेप्ट कर रही है उस चीज को। क्योंकि हमने देखा सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज नथिंग बट द वेब ऑफ रिलेशनशिप विच इंक्लूड्स ऑल इंटायर योर फैमिली, योर नेबर्स, स्ट्रीट, मार्केट, ब्ला 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 सब कुछ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि जब ये कलेक्टिव हैबिट हो जाएगी तब ये सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएगी। या पूरे सोसाइटी में जहां तुम रह रहे हो वहां सब सुबह उठते ही देखो, अगर बिल्डिंग से नीचे अगर कोई बिल्डिंग में रह रहा होता है तो बिल्डिंग से सुबह होते ही अगर आप जाओ बिल्डिंग के पार्क में तो सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हुए मिल जाते हैं, है ना। तो एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी, सोसाइटी इन जनरल, जनरल ये कोई प्रेशराइज नहीं है, सोसाइटी ने उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जब बड़े पैमाने पर किसी हैबिट, किसी वैल्यू को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि उसे सोसाइटी ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी उस वैल्यू को या नॉर्म को, तो उसे हम कहेंगे सोशल नॉर्म। क्या कहेंगे? मैं यहां लिख दूं, उसे हम कहेंगे सोशल नॉर्म। सोशल नॉर्म यानी अब एक क्रिएट हो चुका है, एक सोशल नॉर्म क्रिएट हो गया। मान लेते हैं कि गुड मॉर्निंग अब क्या बन चुका है, एक सोशल नॉर्म बन गया, सोशल नॉर्म बन चुका है। अब जैसे धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाएगी ये गुड मॉर्निंग, अब यही गुड मॉर्निंग आगे जा करके ट्रेडिशन या कस्टम का रूप ले लेगी। आगे जा करके किसका रूप ले लेगी? ट्रेडिशन या कस्टम का रूप ले लेगी, ट्रेडिशन या कस्टम का रूप ले लेगी। अब जब कोई ट्रेडिशन या कस्टम का रूप ले लेगा तब इसके बाद शुरू हो जाएगा कि भैया इसके ऊपर कोई नियम कानून बनाया जाए, ठीक है, इसके ऊपर कोई नियम कानून बनाया जाए। कि जैसे कि महिलाओं के रिस्पेक्ट करना अगर एक ट्रेडिशन हो जाए, एक कस्टम हो जाए, तो महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई नियम कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो नियम कानून बनाएंगे, और नियम कानून को बनाने के लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, जैसे भारत में पार्लियामेंट है ना। तो इंस्टीट्यूशन आएंगे और इंस्टीट्यूशन के बाद आ जाएगा लॉ, लॉ। और इस तरीके से किसी वैल्यू या नॉर्म का इवोल्यूशन होता है, ठीक है, किसी वैल्यू या नॉर्म का इवोल्यूशन होता है। अब जैसे हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो भारत में नियम बनाना है लोगों के लिए तो पार्लियामेंट, लेकिन लेकिन मान लो कि भारत में कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी। अब हिंदू कम्युनिटी के अपने कुछ न कुछ ट्रेडिशन है, कुछ न कुछ कस्टम्स हैं। मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम के अपने कुछ न कुछ कम्युनिटी मतलब कि ट्रेडिशन और कस्टम्स हैं। हम हिंदू में अगर एग्जांपल लें, हिंदू कम्युनिटी में, तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लेते हैं मैरिज, शादी की, ठीक है, मैरिज। अब हिंदू फैमिली या हिंदू कम्युनिटी में ये माना जाता है कि शादी तब तक ऑथराइज्ड नहीं मानी जाती जब तक कि उसमें सप्तपदी का जो प्रोसेस है वो पूरा हो, ठीक है। सप्तपदी, मैं समझाता हूँ सप्तपदी क्या है। देखो, लोगों को यूं लगता रहेगा कि शादी तब कंप्लीट हो जाती है जब हम जो है ये अग्नि के साथ फेरे ले लेते हैं तो शादी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, अग्नि के साथ फेरे ले लेने के बाद भी शादी कंप्लीट नहीं होती है, वरमाला पहनाने के बाद भी शादी कंप्लीट नहीं होती है। शादी
हिंदू मैरिज एक्ट के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, जो हिंदू समाज है उसके अकॉर्डिंग, तो शादी तब कंप्लीट होती है जब उसमें सप्तपदी का रस्म खत्म होता है। सप्तपदी में क्या किया जाता है कि जैसे सात अलग अलग ये हिस्से बनाए जाते हैं, यहाँ चावल वगैरह या और कुछ किसी चीजों का रख करके, और वहां पर जो ब्राइड एंड ग्रूम रहते हैं, वर वधू रहते हैं, तो पहले एक एक कदम बढ़ाते जाते हैं। पहले जो पुरुष रहेगा, पुरुष एक कदम बढ़ाएगा, फिर उसी के साथ साथ महिला भी एक कदम बढ़ाती है, जिसमें उन्हें सात चीजों का ज्ञान कराया जाता है। अब मुझे मालूम नहीं वो सात चीजें क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है, उसके बारे में हम कभी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो पंडित लोग ज्यादा जानते हैं कि अच्छा हाँ वो सात चीजें क्या रहती हैं। थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसमें एक एक चीज के बारे में बताया जाता है कि जो महिला है या पुरुष है वो दोनों एक बराबर है, उसमें कभी पुरुष महिला पर डोमिनेट नहीं करेगा या महिला कभी पुरुष पर डोमिनेट नहीं करेगी, दोनों के जो भी राइट्स हैं वो इक्वल है। फिर उसमें एक दो चीजें और आती हैं, जैसे कि अगर ग्रोथ की बात आएगी तो दोनों साथ साथ ग्रोथ करेंगे, ठीक है, दोनों साथ साथ ग्रोथ करेंगे, सुख दुख में दोनों साथ साथ रहेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें सात चीजें कही जाती है इस सप्तपदी में। तो जब ये सप्तपदी पूरा हो जाता है तब ये माना जाता है कि भाई जो हिंदू कम्युनिटी में जो शादी है वो कंप्लीट हुई, नहीं तो सप्तपदी के बिना शादी ऑथराइज्ड नहीं मानी जाती है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन बना कि नहीं, जैसे जब शादी एक नॉर्म्स बनी, एक नॉर्म्स बना कि अच्छा हाँ भाई मैरिज होना चाहिए, तो उस मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा, उसके लिए लॉ कौन बनाएगा, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन होना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन में आ गए तुम्हारे हिंदू मैरिज एक्ट के जो लोग रहते हैं, मिलकर सारा का सारा काम झाम करते हैं, वो आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम मुस्लिम में बात करें तो मुस्लिम में जो शादियां होती हैं तो इनके अंदर क्या है कि भाई अगर तुम्हें शादी कंप्लीट करना है तो कम से कम तीन बार क्या करना है, कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है, तीन बार कबूल है कबूल है कबूल है। जब ये कबूल है कबूल है कबूल कह देते हैं तो निकाह जो है पूरा हो जाता है, और उसके बाद फिर काजी वगैरह जो रहते हैं वो इकरारनामा करवाते हैं, उस पर सारा का सारा सब कुछ एक रिसीट वगैरह बना के दे देते हैं कि हाँ भाई अब शादी है कंप्लीट हो गई। तो मुस्लिम में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इनके अपने जो है नियम कानून है कि किस तरीके से मुस्लिमों में शादियां होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि भाई कैसे एक जो वैल्यू या नॉर्म्स है उसका इवोल्यूशन कैसे होता है, तो उसका ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि पहले वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा स्टार्ट किया गया होगा, ठीक है, अब वो इंडिविजुअल ने जैसे स्टार्ट करी, फिर उसे पहले उसके परिवार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया होगा, फिर परिवार के साथ साथ एक ग्रुप ने एक्सेप्ट किया होगा, फिर वो हैबिट बना होगा, हैबिट बनने के बाद वो लार्ज ग्रुप की हैबिट बनी होगी, जब लार्ज ग्रुप की हैबिट बनी तब उसके लिए सोसाइटी माना जाएगा कि भाई सोसाइटी की एक जनरल एक्सेप्टेंस हो गई। अब जब सोसाइटी की जनरल एक्सेप्टेंस हो गई तो उसको हमने सोशल नॉर्म्स कह दिया, और जब सोशल नॉर्म्स हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मतलब कि फिर उसके बाद वो चलते चलते ट्रेडिशन या कस्टम में बन जाएगा, फिर उस ट्रेडिशन और कस्टम को बचाने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे जो उसके लिए नियम और कानून बनाएंगे। समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ कि नॉर्म्स कैसे इवॉल्व होता है? तो ये सारे प्रोसेस तुमको लिखने पड़ेंगे और उसको एक एक लाइन में क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, जो मैंने बताई यही चीज अभी एग्जांपल दे करके, ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें कि ये जो नॉर्म्स हैं या नॉर्म्स का इवोल्यूशन है, इसका इम्पोर्टेंस दो वर्गों के हिसाब से कैसा होता है, ये दो वर्ग, दो जो डिवीजन है, मैंने इनके बारे में बहुत पहले ही पढ़ा दिया है, मैं टर्मिनोलॉजी बोलता हूँ। एक को हम कहते हैं डियोन्टोलॉजिस्ट, ऐसा तो नहीं पहली बार सुना लग रहा है, डियोन्टोलॉजिस्ट, और एक होते हैं टीलियोलॉजिस्ट। अच्छा,
अगर याद ना हो तो मैं जस्ट रिकैप करवा देता हूँ। डीओंटोलॉजिस्ट हम उन्हें कहते हैं जो पुरानी विचारधारा में यकीन रखते हैं, जो जैसे कि अगर हम इस्लाम में कहें तो इस्लाम में उन कुरान में जो चीज़ें लिख दी गई है वो उसी को ही सत्य मानेंगे, उसके अलावा किसी और को सत्य नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? डीओंटोलॉजिस्ट। ठीक है, डीओंटोलॉजिस्ट। हिंदू समाज में कहें कि अगर गीता में कोई बात लिख दी गई है तो गीता के बात को ही सत्य मानेंगे, बाकी और किसी चीज को सत्य नहीं मानेंगे, उन्हें हम कहेंगे डीओंटोलॉजिस्ट। लेकिन अगर हम टीलियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो टीलियोलॉजिस्ट कैसे होते हैं कि हाँ, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में सोचते हैं कि अगर कोई कस्टम, कोई ट्रेडिशन बना हुआ है तो उसे इंसान के लिए बदला जा सकता है। बट डीओंटोलॉजिस्ट में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, कि नहीं? हाँ, तो ये समझ में आया ना, इसके बारे में हमने काफी अच्छे से चर्चा करके बात करा था डीओंटोलॉजिस्ट और टीलियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो बताओ, अगर मैं कहूंगा कि डीओंटोलॉजिस्ट और टीलियोलॉजिस्ट के रिस्पेक्ट में जो नॉर्म्स होते होंगे, नॉर्म्स इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती होगी डीओंटोलॉजिस्ट और टीलियोलॉजिस्ट की नजर में? क्या डीओंटोलॉजिस्ट किसी नॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं? अगर जैसे कोई नॉर्म्स बन गया उनके लिए तो क्या डीओंटोलॉजिस्ट उसे कभी चेंज करेंगे? नहीं, इनके लिए जो नॉर्म्स होगा वो एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट का मतलब 100%, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसे हम कहेंगे अनचेंजेबल। ठीक है, अनचेंजेबल। अच्छा, हमारे भारतीय पार्लियामेंट ने या हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो है फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, क्या बता सकते हो कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? अच्छा, एब्सोल्यूट नहीं है, इसका कैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम? हाँ, कोई ऐसा करंट एग्जांपल देकर बताओ कि आने वाले टाइम में चेंज किया गया हो या कर सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जो है उसे इंक्लूड किया गया। कौन से आर्टिकल में डाला गया है उसको, आरटीआई को? 2005 में। तो राइट टू एजुकेशन वगैरह है उसमें, 21 में। ठीक है, तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। उसी तरीके से जो डीओंटोलॉजिस्ट रहते हैं ये क्या समझते हैं, इनके अकॉर्डिंग कोई भी नॉर्म्स क्या है वो एब्सोल्यूट है, उसमें चेंज हम कर ही नहीं सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान मर ही क्यों ना जाए, उन नियमों को हम बदल नहीं सकते हैं, ये डीओंटोलॉजिस्ट का मानना है। तो अगर कहेगा कि डीओंटोलॉजिस्ट के नजरिए से जो नॉर्म्स हैं वो स्टैटिक हैं या डायनामिक हैं, यानी स्थिर है या चेंजेबल है? स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक है। तो यहाँ तीन पॉइंट याद रखना, यहाँ अगर कंपैरिजन के लिए दे दे कि कंपेयर द नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू डीओंटोलॉजिस्ट एंड द टीलियोलॉजिस्ट, देन यू नीड टू मेंशन दिस थ्री टर्मिनोलॉजी, एब्सोल्यूट, अनचेंजेबल एंड स्टैटिक फॉर द डीओंटोलॉजिस्ट। लेकिन अगर हम वही टीलियोलॉजिस्ट की बात करें, ठीक है, टीलियोलॉजिस्ट, तो टीलियोलॉजिस्ट को हमने बात किया कि भाई ये हैप्पीनेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, कि अगर इंसान किसी रूल को चेंज करने से इंसान को खुशी मिलती है तो रूल वो नियम कानून चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग उपयोगिता का नियम चलता है। उपयोगिता, कि कोई चीज़ कितना उपयोगी है। अगर कोई नियम कानून, जैसे कि ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक अगर महिलाओं के लिए खराब था तो उसको चेंज कर देना चाहिए। तो जो उसके फेवर में है वो टीलियोलॉजिस्ट के अंदर आ जाएंगे, जो उसके अगेंस्ट हैं वो डीओंटोलॉजिस्ट के अंदर आ जाएंगे। उपयोगिता को हम कहते हैं इंग्लिश में यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, उपयोगिता के कॉन्सेप्ट पर टीलियोलॉजिस्ट
समझते हैं नॉर्म्स को, ठीक है, नॉर्म्स को, यानी इनके अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं वो क्या है, चेंजेबल है, ठीक है, नॉर्म्स कैन बी चेंज्ड, नॉर्म्स कैन बी चेंज्ड फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, तो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस। अच्छा, अब इसी नॉर्म्स के ऊपर मैं एक सवाल पूछता हूँ, इंटरव्यू में पूछा गया है ये सवाल कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा चलता है, कुछ राज्यों में अभी भी पर्दा प्रथा चलता है, ठीक है, ये इमेज देख करके वो राज्य का नाम तो समझ में आ गया होगा, कौन सा राज्य है, मैं भारत में की बात कर रहा हूँ, भारत में राज्य कौन सा है ऐसा, कर्नाटका में आंधी धूल तूफान चलते हैं, मतलब बालू उड़ता है, राजस्थान, कर्नाटका में तुम्हें पर्दा प्रथा नहीं देखने को मिलेगा, राजस्थान में आज भी पर्दा प्रथा देखने को मिलता है। तो वहां पर इंटरव्यूअर ने पूछा कि वो जो कैंडिडेट था वो राजस्थान से ही बिलोंग करता था, तो उसने पूछा कि अच्छा आप बताइए कि राजस्थान में आज भी पर्दा प्रथा की व्यवस्था है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो खराब है या सही है, या उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। अब जो इंसान इथिक्स को पढ़ा ही नहीं रहेगा उसका क्या जवाब देगा, हाँ हाँ, कि महिलाओं पर ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, खराब है, हमें बैन कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि कोई भी जवाब देने से पहले हमें चार फैक्टर के बारे में ध्यान रखना चाहिए, कि उसका ज्योग्राफिक इम्पैक्ट है क्या, इकोनॉमिक से कुछ लेना देना है क्या, हिस्टोरिकल कुछ कंपोनेंट उसमें जुड़ता है क्या, फिर आता है एथिकल बात उसमें कुछ है कि नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लू चलती है इतनी भयंकर, हाँ, उसमें पूरे रेत उड़ते रहते हैं, धूल धक्कड़ उड़ते रहते हैं, तो वहां पर पर्दा प्रथा लाया गया इसलिए कि जब महिलाएं दूर से पानी वगैरह लेकर के आती हैं तो अपने चेहरे को अगर ढक के नहीं रखेंगी तो आंखों में धूल चला जाएगा, है ना, तो उनकी आंखों की प्रॉब्लम आएगी, शरीर अगर पूरा ढका नहीं रहेगा तो पूरे बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है कुछ कुछ करके। तो ऐसे ही जैसे भारत में हम एक पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें, वैसे ही तो कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं सऊदी अरेबिया वगैरह में, है ना, वहां पर तो बड़े बड़े स्टॉर्म आते हैं, सैंड स्टॉर्म आते हैं, तो जब सैंड स्टॉर्म आते हैं तो पहले के टाइम पीरियड में जब काफिले चलते थे, लोग ट्रेड के लिए जाया करते थे, तो उनको पता है कि यहाँ कभी भी तूफान आ सकता है बालू का, जो हमारे नाक में घुस जाएगा, आदमी की मौत हो जाएगी, आंख में घुस जाएगा, या कुछ ना कुछ हो जाएगा, लोग अपने पहनावों को इस तरीके से चेंज किए कि हम उनसे बच सके। तब वहां से शुरू हुआ कि भाई जो महिलाएं हैं वो बुर्का वगैरह पहन लें, ठीक है, मैं इसको दूसरे पेज पर ले लेता हूँ, महिलाओं के लिए ये बुर्का हो गया या हिजाब हो गया, ठीक है, नकाब हो गया, ऐसी व्यवस्था लाई गई, क्यों, वो शौक नहीं था उनका, उनकी मजबूरी थी, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, अगर वो चीज नहीं लाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए तो था नहीं, वहां पर सऊदी अरब में हम देखते हैं जो वहां का प्रिंस है या जो भी है, सब लोग मेल हो या फीमेल हो, सब ऐसे कपड़े पहनते हैं पूरा एकदम बड़े बड़े ना, सर पे जो है वो बांधते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो भी साफा वगैरह जो कहते हैं वो बांधते हैं, उसके बाद ये लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, ताकि जब तेजी से हवा चले तो ये इनके सर से उड़ ना जाए, नहीं तो क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है, बाकी अब ये धीरे 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 ये इनके क्या बन गई, कस्टम बन गई, कि पहले इसको बनाया गया था इनके सर्वाइवल के लिए, लेकिन अब धीरे 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 जाकर के ये उनका कस्टम बन गया। तो अब अगर मान लो कि सऊदी अरब से कोई इंसान चला जाता है नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में चला जाता है, कनाडा में नॉर्थ अमेरिका में हमें पालू के जो तूफान है वो देखने को तो मिलते नहीं है, तो वहां पर इंसान चाहे तो अपने इस ट्रेडिशन को छोड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हमने इथिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई भी वैल्यूज अगर इंसान को उसके बचपन में ही इनकलकेट कर दी जाती है, आत्मसात कर दी जाती है, तो उसे छोड़ना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम मेल या फीमेल हैं जो अमेरिका वगैरह में रहते हैं वो
बुरखा पहनते ही पहनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जब जनरेशन चेंज हो जाती है, जैसे कि उनके बच्चे अगर होंगे तो वो उनके बच्चे वहां के बच्चों के साथ खेलेंगे, वहां पर देखेंगे वो तो बुरखा वगैरह ऐसा कुछ पहनते नहीं है, तो उनकी आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिकली इस ट्रेडिशन को भूल जाएगी क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं है। अब जब जरूरत नहीं है तो वो क्यों फॉलो करेंगे उस चीज को, है कि नहीं? तो ऐसे ही भारत में भी जो पर्दा प्रथा था, हालांकि पहले तो दूसरे जो राज्य ऐसे जैसे नॉर्थ इंडिया में तो ये धूल धक्कड़ तो चलते ही चलते थे। जब भी गर्मी का मौसम आता है तो पूरी तरीके से हमको पता है वहां के जो लोकल विंड होता है हम लू कहते हैं उसको, है ना, गर्मी के टाइम में लू चलता है, लू। तो उस लू से बचने के लिए भी इस घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा को लाया गया था। दूसरी चीज थी रिस्पेक्ट, वहां पर जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी रिस्पेक्ट के लिए भी ये चीज किया गया था। बाद में लोगों ने देखा कि नहीं, इस पर ज्यादा ही रोक टोक हो रहा है, तब धीरे 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 लोगों ने चेंज करना शुरू किया। लेकिन अगर कभी कोई पूछे कि ये सही है या गलत है तो हमको ले मैन की तरह जवाब नहीं देना, हमको सोच समझ करके कि अच्छा वहाँ की कंडीशन क्या है। अब कोई कहे कि कश्मीर में पर्दा प्रथा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, घूंघट काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए, भाई क्यों करना चाहिए? अगर वहाँ नीड है तो करो, नीड नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई कश्मीर में ये कहे कि कोई जो है ये एक ही कपड़ा पहन करके सर्वाइव करे, तो ये पॉसिबल है कश्मीर में? या कश्मीर में कोई ये कहे कि इंसान को रोज नहाना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड या मध्य प्रदेश में रहते होंगे वहां रोज लोग रोज नहाते होंगे। अब यहां से अगर वो कश्मीर में जाए और वहां रोज नहाना शुरू कर दें तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, ज्योग्राफिक कंडीशन अलग है, टेम्परेचर अलग है, तुम्हारी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तुम जितना पानी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश या अदर राज्यों में एक दिन में स्पेंड करते हो उससे कहीं गुना कम पानी वो वहाँ जम्मू कश्मीर में करते हैं। वहाँ 5 से 7 लीटर में उनका पूरा का पूरा काम हो जाता है, मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं। लेकिन यहाँ अपने भारत के अदर जो राज्य हैं वहाँ पर 5-7 लीटर कैसे खत्म हो गए वो पता ही नहीं चलता है, उतना पी जाते होंगे। समझ में आया इतना? तो नॉर्म्स का इम्पोर्टेंस अगर कहेगा कि डीओंटोलॉजिस्ट और टीलियोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए तो उसको एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, देखो तो हमने वैल्यूज के बारे में समझ लिया, हमने नॉर्म्स के बारे में समझ लिया, ठीक है, नॉर्म्स के बारे में समझ लिया। फिर नॉर्म्स या वैल्यूज का इवोल्यूशन कैसे होता है इसके बारे में समझ लिया, ठीक है, इसके बारे में समझ। अब हम ये समझते हैं कि कंडक्ट क्या होता है, ठीक है, कंडक्ट। यहां से हम यहाँ एक नई टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्ट। कंडक्ट होता क्या है, ठीक है, देखो कंडक्ट इज नथिंग बट द एक्शन। हम कोई काम करते हैं ना, वैसे कंडक्ट कैसे काम याद रखना, इसको अगर हम कहें कि अपनी इच्छा से किया जाने वाला कोई काम, ठीक है, जिससे हमारे कैरेक्टर का पता चलता हो उसे हम कंडक्ट कहते हैं। जैसे कि ठीक है, जैसे कि रास्ते पर अगर कोई दो इंसान जा रहे हैं, एक का पर्स गिर गया, तो तुम पीछे पीछे जा रही हो, तुमने देखा पर्स में बहुत माल भरा है, तो तुम्हारे दो कंडक्ट दिखाई दे सकते हैं, तुम्हारा दो कैरेक्टर दिखाई दे सकता है। एक की चुपचाप से उस पर्स पर पैर रखो और जब वो चले जाए तब धीरे से उठा लो, और दूसरा है कि वो जा रहे हैं तो उनको बुलाकर कह दो कि भाई साहब आपका जो है पर्स गिर गया है, ठीक है। तो ये क्या है, कंडक्ट है। अब तुम्हें ये कहने के लिए या करने के लिए किसी ने कहा थोड़ी है, तो तुमने अपने आप से कहा, अपने आप से किया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि कंडक्ट क्या है, तो कंडक्ट इज अ वॉलेंट्री एक्शन विच डिफाइंस आवर कैरेक्टर, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन विच डिफाइंस
विच डिफाइंस अवर कैरेक्टर, अवर कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। अच्छा, जब हम एक्शन की बात करते हैं तो इस एक्शन से ना तीन टर्मिनोलॉजी और निकल के आती हैं कि जो एक्शन हमने किया वो मोरल है, इमोरल है या नॉन मोरल है। देखो, तीन टर्मिनोलॉजी, एक्शन तीन तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो इमोरल, दूसरा मोरल और तीसरा होता है नॉन मोरल, ठीक है, नॉन मोरल। एक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के, कौन कौन से, इमोरल, मोरल और नॉन मोरल, इमोरल, मोरल और नॉन मोरल। अच्छा, ये जो एक्शन करता है यानी कि जिसने काम किया वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है ना, तो एक्शन जो करने वाला है यानी डूअर, मैं अगर करूं इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर दूं, एक हो सकता है कि इंडिविजुअल हो, कोई व्यक्ति हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ, पहले इस चीज को याद रखो, एक एक टर्मिनोलॉजी को जब तक नहीं समझोगे समझ में नहीं आएगा चीज क्या है। बताओ कंडक्ट, व्हाट इज कंडक्ट, वॉलेंट्री एक्शंस विच डिफाइंड अवर कैरेक्टर। अगर एग्जांपल देना रहेगा कंडक्ट का तो कैसे दोगे एग्जांपल, पर्स वाला, ठीक है, पर्स गिर गया तो चुराना है या बताना है, तो तुम्हारा एक्शन हो गया। अब यह एक्शन वॉलेंट्री है, क्यों, किसी ने कहा थोड़ी कि अरे भाई उसको बोल दो, तुमने अपने आप से कहा। अगर कोई देख लेगा तुम्हें तब तो तुम कहोगे ही कहोगे कि भाई साहब आपका पर्स गिर गया। सवाल तब है जब कोई ना देख रहा हो, है ना, जब कोई ना देख रहा हो, ठीक है। अब ये जो काम हुआ, जो एक्शन हुआ, अब उसको हम समझेंगे, अच्छा भाई इमोरल है, मोरल है या नॉन मोरल है। तो पहले ये तो समझना चाहिए कि इमोरल, मोरल और नॉन मोरल होते क्या हैं, बराबर। अच्छा, अगर मैं कहूं तुमने खाना खाया, खाना खाना, खाना क्या कहते हैं, फूड, ईटिंग या खाना खाना, बताओ खाना खाना, पानी पीना, किताब पढ़ना, ये कैसे टास्क है या कैसे एक्शन है, क्या ये मोरल है या इमोरल है। अब जैसे मैं पहले कहूं कि अच्छा पहले बताओ कि मोरल क्या होता है, तो मोरल तो ऐसे काम हो गए, क्योंकि मैं ये अभी मोरल इमोरल की बात क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मोरल इमोरल डिपेंड करते हैं कि सोसाइटी पर, ठीक है, कि तुम किस माहौल में हो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं, मोरलिटी और इमोरलिटी क्या होती है ये समझ लो। देखो इमोरलिटी और मोरलिटी, मोरलिटी ये डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, उस सोसाइटी पर डिपेंड्स ऑन सोसाइटी। अब समझो इसके लिए, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि तुम ऐसी सोसाइटी में हो, दो सोसाइटी लेते हैं, एक मुस्लिम और दूसरा हम ले लेते हैं जैन, ठीक है, मुस्लिम और जैन। बताओ मुस्लिम नॉनवेज खाते हैं, मुस्लिम तो नॉनवेज खाते हैं ना, मुस्लिम नॉनवेज खाते हैं और जैन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, जैन वेजिटेरियन होते हैं, जैन वेजिटेरियन होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये जो नॉन वेजिटेरियनिज्म है, नॉन वेजिटेरियनिज्म है, वो तो जैन के हिसाब से मोरल, मोरल होगा या नॉन मोरल होगा, नॉन वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजी
वेजिटेरियनिज्म, यानी कि किसी पशु पक्षी को मार कर खाना, किसी पशु पक्षी को मार कर खाना जैनिज्म के हिसाब से तो ये इमोरल हो गया। जैनिज्म के हिसाब से क्या हो गया? इमोरल हो गया। लेकिन क्या मुस्लिम्स के हिसाब से इमोरल होगा? नहीं, मुस्लिम्स के लिए तो ये मोरल है, मुस्लिम्स के लिए तो ये मोरल है। उनको कहा कि भाई इनको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो लिखा हुआ है दो चीज, खाली कुछ चीजें छोड़ दो, जैसे कि सुअर छोड़ दो, गिद्ध छोड़ दो, क्योंकि गिद्ध वगैरह मरे हुए चीजों को खाते हैं, इसलिए उनके कुरान में लिखा हुआ कि सुअर हो गया, गिद्ध हो गया, ऐसे चीजों को मत खाओ जो किसी मरे हुए चीजों को खाते हैं। तो सुअर को माना जाता है कि भाई वो बहुत ही गंदगी चीजों को खाता है, इसलिए वो सुअर को अवॉइड करते हैं, उनके यहाँ सुअर नहीं खाया जाता है। गिद्ध मरे हुए चीजों पर डिपेंड रहता है, इसलिए गिद्ध वगैरह को नहीं खाते हैं। बाकी जो भी चीजें हैं वो उनमें कहा गया कि ये तुम्हारे लिए ही है, जो तुमको खाना है तुम खाओ। तो भाई मुस्लिम के लिए तो नॉन वेजिटेरियनिज्म मोरल हो गया और जैनिज्म के लिए ये इमोरल हो गया। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा एक्शन मोरल है या कौन सा एक्शन इमोरल है? ये तो डिफाइन ही नहीं हो सकता, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ है, किस सिचुएशन में है, किस सोसाइटी में है, है ना। अब जैसे मैंने सुअर की अगर बात करी तो सुअर को ही हम कहते हैं पॉर्क, है ना, पॉर्क कहते हैं सुअर। अब अगर इसी पॉर्क को मैं दो कैटेगरी में बांटूं, एक तो बांट देता हूं मुस्लिम जगत और दूसरा कर दूं वेस्टर्न जगत, यानी अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, ये डेनमार्क हो गया, जो भी यूरोपियन कंट्री है वहां पर। यूरोपियन कंट्री में तो सुअर का तो लोग नाश्ता कर लेते हैं, क्या सुअर खाना उनके लिए इमोरल है? नहीं, वेस्टर्न कल्चर के लिए तो ये तो मोरल है भाई, कोई इमोरलिटी की बात नहीं होती है। लेकिन मुस्लिम्स के लिए सुअर खाना तो इमोरल हो गया, ठीक है, इमोरल हो गया। तो क्या हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से एक्शन मोरल है या कौन से एक्शन इमोरल है? हमें डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो डिफाइंड होते हैं यूनिवर्सली, ये मोरल है या इमोरल है। तो हम समझते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मोरल एक्शन और इमोरल एक्शन, अब उससे समझ में आ जाएगा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मोरल और इमोरल, मोरल और इमोरल। अब देखो जैसे दुनिया में तुम कहीं भी जाओ, अगर तुम जाते हुए तुमको ये दिख गया कि कोई बच्चा है भूखा है, ठीक है, कोई बच्चा है क्या है, भूखा है, तो एक भूखे बच्चे को खाना खिलाना, खाना खिलाना, तो तुम चाहे इंडिया में रहो, अरब में रहो, अफ्रीका में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं भी अगर तुम किसी भूखे को खाना खिला रहे हो तो एक अच्छा टास्क माना जाता है, वो मोरल एक्शन होगा। क्या होगा? मोरल एक्शन होगा। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में कोई नियम कानून है कि अगर कोई भूखे को खाना खिलाएगा तो उसको 10 दिन के लिए जेल कर देंगे, ऐसा है क्या? या किसी भी कंट्री में ऐसा है कि कोई किसी भूखे को खाना खिलाएगा तो उसे जेल कर देंगे? नहीं है। यानी किसी की हेल्प करना, अगर हम यूं कहें कि हेल्प, हेल्प करना या किसी को फीड करना, खाना खिलाना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मोरल एक्शंस हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मोरल एक्शंस हैं। लेकिन मान लो कि तुम सड़क पर जा रहे हो और कोई बीमार है सड़क पर ही, ठीक है, बेचारा चल नहीं पा रहा है, ठीक है, चल नहीं पा रहा है, अब ये चल नहीं पा रहा है, ऊपर से ले जाकर 2 लाठी और मार दो तुम, उसको बोलो चल नहीं पा रहा है, लो और मार के इसका हाथ तोड़ देता हूँ, हाथ से भी नहीं कुछ कर पाएगा, 2 लाठी और मार दो। तो बताओ तुम चाहे भारत में किसी बीमार आदमी को या जो चल नहीं पा रहा है किसी को 2 लाठी मारो, अमेरिका में मारो, अफ्रीका में मारो, सऊदी अरेबिया में मारो, हर जगह तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी, सजा दी जाएगी, है कि नहीं? तो किसी बीमार को मारना पीटना ये क्या है? ये यूनिवर्सली इमोरल एक्शन है, समझा? तो बीटिंग, बीट
king to a Sikh person. ये क्या है? यूनिवर्सली इमोरल एक्शन है. इमोरल एक्शन है. इमोरल एक्शन है. तो अगर मैं कहूं कि आप बताओ मोरालिटी, मोरल एक्शन और इमोरल एक्शन को अगर डिफाइन करना रहेगा तो डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना. जो बहुत सारे लोगों के द्वारा यूनिवर्सल वाला या विदाउट यूनिवर्सल वाला, अगर मैं कहूं कि विदाउट यूनिवर्सल वाला चीज भी अगर बहुत बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो मोरल हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाए तो इमोरल हो जाएगा, है कि नहीं. तो इट्स ऑल अबाउट दी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. ठीक है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन. समझा? तो कुछ ऐसे टास्क हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये मोरल है या इमोरल है. आप बताओ कुछ ऐसे भी टास्क हैं जो इन दोनों की कैटेगरी में आते ही नहीं. ठीक है, जो इन दोनों की कैटेगरी में आते नहीं. अच्छा बताओ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे तुम रास्ते पर जा रहे हो, ठीक है, रास्ते पर जा रही हो और तब तक पीछे से किसी ने आकर के एक झापड़ मार दिया हिंच के और तुमको गुस्सा आया, तुमने पीछे मुड़कर देखा कि जैसे उसको मारने जा रही हो तुम देखा कि भाई जिस पर्सन ने मुझे मारा वो मेंटली अनस्टेबल है. जिस पर्सन ने मुझे मारा वो क्या है? मेंटली अनस्टेबल है. अब बताओ कि उसने जब तुम्हें मारा तो क्या वो अपने कॉन्शियसनेस में रहकर मारा? क्या वो अपने फुल कॉन्शियस में रह के मारा? नहीं, यानी उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है. समझ आ रहा है? उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है. तो जब कभी भी ऐसे टास्क होते हैं या कोई ऐसा पर्सन जो अनजाने में करता हो, बिना सोचे समझे, जैसे कि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे को तुम खिला रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर उल्टी कर दे, तो उल्टी करना अगर कोई एक बड़ा इंसान है जैसे तुम्हारे ऊपर उल्टी कर देता है तो ये इमोरल टास्क है, इमोरल एक्शन है. लेकिन एक छोटा बच्चा है, उसे पता है उल्टी क्या होता है? नहीं पता है. तो उस छोटे बच्चे के द्वारा किया गया वो एक्शन क्या, किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा नॉन मोरल की कैटेगरी में. ठीक है, किसमें? मोरल में नहीं रे बाबा, नॉन मोरल. ठीक है, नॉन मोरल. या वही बच्चा है, हाथ में कुछ लिया है, तुम उसको खिला रहे हो, उलू उलू करके वो आंख में पेन चोक दिया, तो अब उसको क्या कहोगे? कुछ पता है उसको कि वो क्या कर रहा है? नहीं पता है. तो अगर कहेगा कि नॉन मोरल एक्शंस क्या होते हैं, तो ऐसे एक्शंस जो लेस आईक्यू के द्वारा किए जा रहे हों, लेस आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है, या ऐसे पर्सन्स के द्वारा किए जा रहे हों जो अपने होशो हवास में ना हो, यानी अनकॉन्शियस का मतलब वो बेहोशी वाला नहीं, होशो हवास में ना हो, उसकी जो मेंटल हो डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसे एक्शंस को हम नॉन मोरल की कैटेगरी में रखते हैं. इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि खाना खाना मोरल एक्शन है या इमोरल एक्शन है, कैसे पता चलेगा? इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. तो जब हम किसी एक्शन को डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ये मोरल है या इमोरल है, तब उसे हम नॉन मोरल की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, किसमें रखते हैं? नॉन मोरल. ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर लिखा है कि खाना मत खाना, खाना खाना इमोरल है, गलत काम है खाना खाना, या पानी मत पीना, पानी पीना जो है गलत काम है, ऐसा तो नहीं है. तो खाना खाना, पानी पीना, दोस्तों से बात करना, ठीक है, डिस्कशन करना, गप्पे मारना, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? ये सारे के सारे आ जाएंगे नॉन मोरल एक्शंस में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉन मोरल एक्शंस में. अब कंडक्ट क्या होता है समझ में आ गया? अगर मैं पूछूं कंडक्ट, व्हाट इज कंडक्ट? कंडक्ट क्या है? व्हाट इज कंडक्ट? इट इज अ वॉलंटरी एक्शन
विच मे बी मोरल और मोरल इमोरल और नॉन मोरल, ठीक है, मोरल इमोरल और नॉन मोरल ऑफ अ ह्यूमन बींग और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच डिफाइंस इट्स कैरेक्टर, ठीक है। मैंने पहले शॉर्ट में बताया था कि ये एक क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन है। अब ये एक्शन मोरल या इमोरल हो सकता है, ठीक है, मोरल या इमोरल हो सकता है। अब ये चाहे किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया जाए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये कंडक्ट कहलाए, ठीक है, कंडक्ट कहलाए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर इतना क्लियर है तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, तो बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।